अब मैं इसकी प्रॉपरली चेकिंग करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे काम करता है, किस तरीके से करेगा, प्रॉपर एकदम सही से बताऊंगा। जितना भी इसमें सब कुछ दिया गया है सब बताता हूँ। देखो इसमें ये जो बटन है, ये वाली जो ऊपर वाली दिख रही है आपको, अगर मैं इको वाली जो बटन है इसे मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा तो हमारी इको मोड हो जाएगा ऑन। ये देखिए गूंज रही होगी जैसे मैं किसी हॉल में बैठा हूँ ऐसा लग रहा होगा आपको। वहीं वहीं अगर अगर मैं मैं इसे इसे बंद बंद करता कर हूँ, देखना देता मैं हूँ, इसे बंद कर रहा हूँ, वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है तो इसे हम खोलकर दिखाएंगे आपको। और ये मैंने मंगाया कमल इमेजिंग से। अगर आप इसको अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगाओगे तो 4500 रुपये का आता है, लेकिन इसको कमल इमेजिंग से मंगाओगे तो 4200 रुपये में पड़ता है। डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, ये देख लीजिए। इसमें एक ट्रांसमीटर है जो इसमें सेट हो जाएगा, ये दूसरा ट्रांसमीटर है, ये मैंने बंद कर रखा है, इसको भी मैं ऑन कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि हम एक साथ दो कनेक्ट हो सकते हैं, और एक बार मतलब जैसे किसी इंटरव्यू लेना है तो उसको यहाँ लगा देंगे तो उसके भी सुनाई देगा, और ये ईयरफोन में हमको पता चल रहा है कि सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो इसीलिए हमने लगाया। इससे आवाज़ काफ़ी क्लियर आती है। अभी फिलहाल देखो इसमें देख सकते हैं, ये भी ट्रांसमीटर है, ये भी ट्रांसमीटर है, और इसके ऊपर ये नॉइस कैंसिलेशन वाला ये लग जाता है, जैसे कहीं पर हम बाहर भीड़भाड़ में हैं तो उसको लगा देंगे नॉइस कैंसिलेशन के लिए। ये देखिए इसके ऊपर लगे जाता है तो इससे क्या आवाज़ थोड़ा क्लियर आती है। तो अच्छा अब यह जो केबल वगैरह हम बता दी, अब हम आपको दिखाते हैं कि इससे आवाज़ कैसे काम करती है, कितना क्लियर आ रही है कितना क्लियर नहीं आ रही है। इको मोड हम करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए अब पंखा चल चुका है, ठीक है। आप देखना पंखे को सुनाई, पंखे की जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है नहीं दे रही मुझे बताना। पंखे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। अब मैं इसमें नॉइस कैंसिलेशन को करता हूँ ऑन, ठीक है, सुनाई दे रही है। अब देखो अभी क्या है, पंखे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, पंखा अभी भी चल रहा बरकरार। पंखे की जो बाहर की जो साउंडिंग है, साउंडिंग नॉइस कैंसिल हो चुकी है, वो भी मैंने नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर रखा है, यानी कि नॉइस बाहर की नहीं आएगी। अच्छा मैं आपको दिखा दूँ प्रैक्टिकली। अब मैं नॉइस कैंसिलेशन को, इसको नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करने के लिए सिर्फ एक बार प्रेस करना है। अगर ये नीला ब्लू चल रहा है तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन, यानी नॉइस जो बाहर की वो कैंसिल हो जाएगी। अगर ग्रीन आ रहा है इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है। अब मैं एक बार दबाता हूँ, ये मैंने एक बार दबा दिया। अब देखो पंखे की आवाज़ भी आपको खर 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 सुनाई दे रही होगी, फरफर फरफर करके, क्योंकि मैंने नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ कर दिया है। इसके बाद आपको आवाज़ मेरी भी सुनाई दे रही है साथ में पंखे भी सुनाई दे रही है। मैं आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। देखो नॉइस कैंसिलेशन को फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने नॉइस कैंसिलेशन को देखो ऑन कर दिया। अच्छा आप देखो अब आवाज़ मेरी क्लियर सुनाई दे रही होगी आपको। और यहाँ पर अगर मैं इसको नॉइस कैंसिलेशन के साथ फिल्ट्रेशन भी लगा दूंगा तो थोड़ी आवाज़ हमारी फिल्टर होकर आएगी, साफ सुनाई देगी। ये देखो इससे आवाज़ क्या थोड़ा साफ आती है, फिल्टर होकर आती है, और बरबराती कम है, थोड़ा क्लियर आती है एकदम साफ। अभी मैंने क्या है बिल्कुल नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ कर रखा, पंखा भी ऑन है, आप देख सकते हैं। पंखा को दिखा दो इको मोड कैसे काम करता है। ये देखिए इसको मैं हटा देता हूँ और इको मोड दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैंने इको मोड ऑन कर दिया है तो आवाज़ रिपीट कर रही होगी। मैंने सारी चीज़ें बारीकी से बता दी आपको, आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सिंबल है, ये देख सकते हैं। ये देखो बैटरी का सिंबल है, बैटरी दिखा रहा है, बैटरी हमारी कितनी चार्ज है, ये आपका कनेक्टेड है ये दिखा रहा है, अगर ग्रीन हो रहा है तो। अभी ये नॉइस कैंसिल मतलब नॉइस वाई कैंसिलेशन ऑन कर रखा है, इसमें ब्लू डर चल रहा है, और ये इको मोड है वो अगर ग्रीन है तो मतलब ऑन है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा, अब देखो अभी फिलहाल इको मोड ऑफ हो चुका है, यानी मेरी आवाज़ है वो गूंजेगी नहीं, अब तक गूंज रही थी। तो मैंने सारे बता दिए हैं, इसके साथ जो आईडी वो मैंने दिखा दिया। ये देखो उसका बॉक्स वगैरह है, इसमें तीन मतलब दो आपके ट्रांसमीटर हैं, एक रिसीवर है। अच्छा ये कितनी दूर पे काम करता है, और बाहर हम लेके चलेंगे ग्राउंड में आवाज़ कैसे कैंसिल कर पा नहीं कर पा, वो भी आपको दिखाएंगे। चलते हैं ग्राउंड में भी दिखाएंगे आपको, तो वो हम समझाएंगे आपको। अब देखो मैं फैन ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। इससे इंटरव्यू लेते हैं, जैसे मतलब दो लोग हो रहे हैं हम, तो दो लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए बहुत ही परफेक्ट माइक है। तो इसमें क्या है मेरी भी आवाज़ भी आएगी, भाई की आवाज़ भी आएगी, भाई दूर भी रहेंगे तब भी आएगी। भाई आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, आप बोलिए। दे रही है। अब इसमें देखो दो फीचर्स हैं, वो फीचर्स हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें एक तो होता है इको मोड, आप भी अपने में इको मोड ऑन करो, मैं भी अपने ऑन करता हूँ इसको। इसको जो है लॉन्ग प्रेस करके रखना है, इको वाली बटन को मैं करता हूँ, देखो वही रखो। मैंने अपने अपने में इको मोड ऑन कर दिया है तो मतलब आवाज़ गूंज रही होगी मेरी। एक मिनट रुको, हाँ एक सेकेंड, अब इनके भी ऑन हो गया, तुम बोलो जरा। हाँ गूंज रही है ये आवाज़, देखो इनकी भी गूंज रही है, मेरी भी। आप देखना सुनना, हम जो बोल रहे हैं वो आवाज़ रिपीटेशन ग्रुप में आ रही है, और यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन लगा रखा है, थोड़ा आवाज़ फिल्टर होकर भी आ रही होगी। अगर हम इको मोड ऑफ कर दे रहे हैं, देखो अब इको मोड ऑफ करते हैं, मैंने इको मोड अपना ऑफ कर दिया, भाई तुम भी करो जरा अपना ऑफ, इन्होंने भी ऑफ कर दिया, बोलो जरा आप। अब नहीं गूंज रही, अब आवाज़ नहीं गूंज रही, देखना आवाज़ गूंज नहीं रही है। अच्छा अब इसके बाद हम नॉइस कैंसिलेशन पे काम करते हैं, नॉइस कैंसिल हो रही है नहीं हो रही, जैसे हम दोनों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ नॉइस कैंसिल नहीं होगी, तो इसको केवल एक बार प्रेस करना है इसको। हाँ नॉइस कैंसिल ऑफ हो गई, यानी अब जो बाहर की आवाज़ है सुनाई नहीं दी। इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे ये देखिए, अभी हम पंखा ऑन करके दिखाते हैं आपको, एक मिनट रुकना।
केवल एक बार प्रेस कर छोड़ दो, अब दे रही है, अब पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी नॉइस कैंसिलेशन अब क्या है, ऑफ है। अभी अगर हम इसको दोबारा देखो ऑन करके दिखाएंगे, एक बार सिर्फ उनको फिर एक बार प्रेस करना, अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो जो हमारी बार की आवाज़ पंखे की आवाज़ फर जो आ रही है वो नहीं आएगी। देखो हम दोबारा से करके दिखा रहे हैं, अपना करो, देखो उन्होंने कर दिया, मैं भी करता हूँ अपना। अब देखो पंखे की जो आवाज़ है फर वो कम होगी, अब देखो बिल्कुल केवल साफ आवाज़ आ रही ना, तो मोरो क्लियर आवाज़ आ रही ना, मतलब नॉइस कैंसिल हो चुका है। इसके भाई काफ़ी फीचर हैं, मैंने इको मोड दिखा दी, बहुत अच्छे से काम कर रहा है और नॉइस कैंसिल भी अच्छे से काम कर रही है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, कितने डिस्टेंस पे काम करती है, और हम नीचे चलेंगे थोड़ा दिखाएंगे आपको, देखना डिस्टेंस पे कितने पे काम कर रही है। अब मैं देखते हैं कितने डिस्टेंस पे काम करता, प्रॉपरली काम करता नहीं करता, कितनी आवाज़ साफ आती है। अभी हम भाई से मात्र कुछ दूरी पर हैं, भाई तुम थोड़ा दूर जाते जाओ और बताना आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, दूर चलते जाओ, आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी, दे रही है, और पीछे जाओ देखते हैं कितनी, मतलब इसकी जो रेंज है वो बताई गई है कम से कम 30 मीटर के लगभग बताई गई, 30 से 50 मीटर तक। तो आप दूर चलते जाओ, बताते जाना आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, साफ आवाज आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, क्लियर सुनाई दे रहा है, दे रहा है, और दूर जाओ, आगे चलते जाओ, चलते जाओ, देखते हैं कितनी दूर तक आता है, आवाज आ रही है अभी, हल्की सुनाई दे रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ आवाज क्लियर दे रही है आवाज। देखो भाई मेरे से लगभग काफी दूरी पर खड़े हो चुके हैं और लगभग 50 मीटर की दूरी हो चुकी है, और थोड़ा और पीछे जाओ थोड़ी। अब ये देखो हम ये जो आपका हमारा ये माइक है ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें डिस्टेंस देखते हैं कितनी डिस्टेंस है, प्रॉपर काम करता है। अभी थोड़ा मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ इसमें कि जो इको मोड है वो ऑन हो रहा है तो काम कर रहा नहीं कर रहा, इको मोड दिखाता हूँ, देखिए आपको एक मिनट। अभी ये देखो इको मोड ने ऑन कर दिया है, यानी मेरी आवाज़ जो वॉइस है वो गूंज रही होगी, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ रिपीटेशन हो रहा होगा। अभी मैं बिल्कुल खुले हुए वातावरण में खड़ा हूँ तो यहाँ पर अभी आवाज़ गूंज रही है, देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी हॉल में बैठा हुआ हूँ। अब मैं इको मोड को ऑफ कर रहा हूँ, अब मेरा इको मोड हो गया ऑफ, अब बिल्कुल आवाज़ जो मैं सामान्य जो बोल रहा हूँ उस तरीके से बोल रहा हूँ। अच्छा अब इसमें नॉइस कैंसिल जैसे बाहर की जो हवा वगैरह है वो आवाज़ आएगी नहीं आएगी वो दिखाता हूँ। ये देखो अभी क्या है, जो बाहर की जो हवा वगैरह चल रही है वो आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं अगर इसमें जो नॉइस मोड है उसको ऑफ कर दूंगा तो वो आवाज़ जो बाहर की वो आपको सुनाई नहीं देगी, अभी मतलब सुनाई नहीं दे रही होगी। और अब देखना अब जो बाहर की हवा वगैरह है वो आपको सुनाई दे रही होगी धीरे धीरे। अब मैं देखता हूँ कितने डिस्टेंस तक काम करता है प्रॉपर, तो आप देखिए हमारे साथ, मैं डिस्टेंस दिखाता हूँ कितने डिस्टेंस तक काम करता है, हम चलते हैं आपको दिखाते हैं एक मिनट। अभी देखो आवाज़ इसमें आ रही साफ साफ आ रही है, मैं ना दिखाता हूँ आपको थोड़ा चलिए, अभी भी आवाज़ क्लियर आ रही है, मतलब मैं 50 मीटर के आसपास पहुँचने वाला हूँ, और आप देखते रहिए, और हवा भी चल रही है। अच्छा इसमें मैं देखना हवा चलने के साथ साथ इसमें नॉइस कैंसिलेशन दोबारा से ऑफ करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए अभी जो हवा वगैरह आ रही थी दोबारा से उधर ही चल रहा हूँ, काफ़ी दूरी पर है भाई, देखो बहुत दूर से दूरी बना रहा है, देख सकते 50 मीटर से ज़्यादा दूरी हो चुकी है, लेकिन आवाज़ अभी भी क्लियर आ रही है, बिल्कुल ब्रेकडाउन नहीं हुई है, मतलब इसकी जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है भाई, और नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा परफेक्ट है, आवाज़ चल रही है, हवा की वॉइस नहीं आ रही है, बाइक की भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं बाइक पर भी चल रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है माइक्रोफोन, बहुत अच्छी फीचर्स हैं इसके, इको मोड भी बहुत अच्छा है। अब देखो भाई से 50 मीटर की रेंज से हम आ गए, आवाज़ तब भी साफ आ रही थी, वहाँ पर हम गए थे तब भी बिल्कुल ब्रेकडाउन नहीं हुई थी, आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखा दिया, आपको देख सकते हैं बिल्कुल आवाज़ क्लियर आई है इससे। अब इसमें हम नॉइस कैंसिलेशन अब क्या है ऑन करेंगे तो क्या है, उसकी कूलर की आवाज़ है वो थोड़ा तेज सुनाई देगी आपको, देखना अभी हम ऐसा करते हैं। अब देखो कूलर की आवाज़ सुनाई देगी फर करके, लेकिन अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो अब देखो ये देखो मतलब कूलर चल रहा है बरकरार, लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो कम हो गई है बिल्कुल, और केवल हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है साफ, एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अगर वहीं पर हम इको मोड ऑन करें तो वो भी प्रॉपर काम करेगा। ये देखो अब हमने इको मोड ऑन कर दिया है और कूलर भी चल रहा है, लेकिन कूलर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। अगर हम इको मोड के साथ नॉइस कैंसिलेशन ऑफ कर देंगे तो कूलर की आवाज़ सुनाई देगी। ये देखो अभी इको मोड भी ऑन है और नॉइस कैंसिलेशन भी ऑफ है, तो इसकी वजह से कूलर की आवाज़ भी सुनाई दे रही है और आवाज़ भी गूंज रही है। अब इको मोड ऑफ करते हैं हम, ये इको मोड हो गया ऑफ आप देख सकते हैं, और नॉइस कैंसिलेशन भी ऑफ है तो केवल कूलर की सुनाई दे रही है। अब हम इसको नॉइस को भी बंद कर दें, ये देखिए अब देखो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ आवाज़ दे रही हूँ सुनाई, बिल्कुल कूलर की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही हूँ। मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दी सब कुछ, बहुत कुछ बता दिया, जितना भी हो सकता है सब समझा दिया इसके बारे में, काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है।